Hello students, welcome to the channel WB Free Math Solution. My name is Sneha Giri. WBSE class 10th का ये आज का chapter है और chapter 1 की request आई थी तो chapter 1 से ही हमने start किया है और exercise 1.1 का question number 5th तक complete कर लिया है, 6th का भी question number 3rd तक complete कर लिया है हमने. 6th में क्या था, construction of quadratic equation. ठीक है, चैप्टर वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद वन वेरिएबल का 6 नंबर क्वेश्चन का 3rd नंबर तक हमने कंप्लीट कर लिया है. दैट इज, अब हम स्टार्ट करेंगे आज के इस वीडियो में 4th नंबर से और इसमें जितने भी क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं 4, 5, 6, 7, 8 वो सारे कंप्लीट करेंगे. तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, तभी आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आएंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में करना क्या था, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना था, सॉल्व नहीं करना था, ओनली कंस्ट्रक्ट करना था. हिंदी में ये पेज नंबर 4th में है. निम्नलिखित विवरणों से एक चर वाले द्विघात समीकरण का निर्माण करें. ठीक है, द्विघात समीकरण का निर्माण करना है हमें, निर्णय करना है, सॉरी निर्माण, सॉरी. तो क्वेश्चन नंबर 4th ये रहा, क्या है, कोई एक घड़ी विक्रेता 336 रुपए में कोई एक घड़ी विक्रय किया, मतलब कि बेचा. वह जितने रुपए में घड़ी को खरीदा था उसे घड़ी को विक्रय करने में उतने ही प्रतिशत का लाभ हुआ, मतलब कि जितने में वो खरीदा था उतने ही प्रतिशत का उसे लाभ होता है. मतलब मान लो अगर एक्स रुपए में उसको खरीदा था तो उसको एक्स परसेंट का ही लाभ हुआ. किसका एक्स परसेंट, जितना घड़ी खरीदा था. अगर वो 10 रुपए का घड़ी खरीदता है तो 10 का एक्स परसेंट का उसे लाभ होता है. ठीक है, क्वेश्चन में ये है. तो चलो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात रिमाइंड कराना चाहूंगी कि अभी तक अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको क्लास 7 टू क्लास 10 तक की सारी वीडियो इसी पे मिल जाएंगी और टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th से. ओके, मैं क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर देती हूँ. अ क्लॉक सेलर सोल्ड अ क्लॉक बाय परचेजिंग इट एट 336 रुपीज. ठीक है, एक घरे में विक्रेता क्या करता है, 336 रुपए में घड़ी को बेच देता है. द अमाउंट ऑफ हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज एज मच एज द अमाउंट ऑफ विच ही बॉट द क्लॉक. मतलब कि जो परसेंटेज ऑफ उसको प्रॉफिट मिलता है वो कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना. ठीक है, मान लेते हैं क्या कि कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच इज एक्स रुपीज है. ठीक है, कि कॉस्ट प्राइस के बराबर ही उसको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होता है. ठीक है, तो क्या लिखेंगे आंसर है ये. ओके, लेट सीपी ऑफ वॉच, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच इक्वल्स टू एक्स रुपीज. ओके, एंड एक्स रुपीज मान लिया अब हमने. अब प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या है, प्रॉफिट इक्वल्स एक्स का एक्स परसेंट का, मतलब हिंदी में का लिखते हैं और इंग्लिश में ऑफ लिखते हैं. ठीक है, एक्स ऑफ एक्स परसेंट या एक्स परसेंट ऑफ एक्स लिखते हैं. ठीक है, सॉरी एक्स परसेंट ऑफ एक्स, दैट इज एक्स बाय परसेंट के नीचे 100 आ जाता है, मल्टीप्लाई एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय 100 कितना है, इतना हो गया रुपीज, इसको इतना रुपीज का प्रॉफिट हो जाता है. ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि द अमाउंट ऑफ विच प्रॉफिट परसेंटेज एच मैच द अमाउंट ऑफ विच ही बॉट द क्लॉक. ओके ओके, तो मतलब कि वो घड़ी को मान लेते हैं कि अगर वो 5 रुपए में घड़ी खरीदता है. ठीक है, घड़ी खरीदा है 5 रुपए में और 5 मतलब कि घड़ी जितने रुपए में खरीदा है उसके एक्स परसेंट, मतलब उतने परसेंटेज का ही उसको लाभ होता है, इसी पे 5% का लाभ हो गया इसको. मान लो एक काम करते हैं, 10 रुपए की घड़ी है, 5% का लाभ हो गया, 10% का लाभ हो गया, तो 10/100 हो जाएगा. ठीक है, कितना 1 रुपए का उसको फायदा होता है. तो इस 10 में ये 1 जोड़ेंगे तभी तो वो जितना बेचेगा वो आएगा. ठीक है, तो कितने में वो बेच रहा है, 336, मतलब कि वो 336 में बेच रहा है. वही हमें करना है क्या कि वो जो जो उसका सीपी है जितने में वो खरीदता है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जितने में खरीदता है एक्स में खरीदता है और उसका फायदा कितना होता है, एक्स स्क्वायर बाई 100, इन दोनों को मिला के ही तो क्या होता है, विक्रय मूल्य, दैट इज सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 336, बस अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम यही दिया हुआ है, बार बार कहने का उसका यही कारण है, रीजन यही है. ओके, अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे. 100 हो गया एलसीएम, क्योंकि 336 100 मल्टीप्लाई एक्स, 100x हो गया, प्लस 100 से 100 कटा एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 100x मल्टीप्लाई ये, इससे 336 00. ओके,
ये इधर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 3 3 6 00 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। यही आपका सोल्यूशन होगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो गया, फिफ्थ में क्या है, नदी की धारा, मैं थोड़ा सा उठा देती हूँ इसको। नदी की धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर रतन नाविक को नदी की धारा के अनुकूल 21 किलोमीटर जाने के बाद पुनः उसे प्रारंभिक जगह पर वापस आने में 10 घंटा का समय लगता है, ठीक है। नदी का धारा का वेग दे दिया 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मतलब कि वेट ऑफ द सॉरी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मान लो अगर ये इस तरह की नदी है, ठीक है, इसकी स्ट्रीम जो मतलब धारा है, इसका वेलोसिटी कितना है, 2 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और एक बार वो इधर जाता है और एक बार वो इधर से इधर जाता है, तो जब इधर से इधर जाएगा तो अगर उसका कुछ वेग होगा, मतलब वो जो नाव में बैठ के जाता है, ठीक है, उसका जो कोई वेलोसिटी होगा उसके साथ ये 2 ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये धारा इस दिशा में अगर जा रही है, ठीक है, मतलब कि नदी का जो बहाव अगर इस दिशा में है तो उसके साथ उसका 2 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हम उसकी स्पीड को क्या करेंगे, उस आदमी की स्पीड को मानेंगे हम एक्स, या फिर बोट की स्पीड को एक्स मान लेंगे। और जब ये नदी की धारा की तरफ जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इस आदमी की, x+2, ठीक है। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो इसकी स्पीड हो जाएगी x-2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब क्या करना है कि उसमें दे दिया कि डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इसमें दे दिया है 21 किलोमीटर, ठीक है। अगर 21 किलोमीटर डिस्टेंस भी दे दिया और टाइम भी दे दिया है कि दोनों तरफ आने जाने में उसको 10 आवर्स का टाइम लग जाता है, टोटल टाइम कितना लगता है 10 आवर्स, और ये टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का 21 किलोमीटर। बस ये सारी चीजें हैं हमारे पास, हम यहाँ से सोल्यूशन मतलब कि कंस्ट्रक्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि लेट स्पीड ऑफ द बोट, बोट मान लेते हैं वो आदमी का जो है स्पीड, लेट स्पीड ऑफ द बोट इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये कब स्पीड ऑफ द बोट कब होगा, ये जब वो शांत होगा, ठीक है, स्टील वाटर में, इन स्टील वाटर लिख देंगे, ठीक है, इन स्टील वाटर, मतलब जब वाटर शांत होता है तो उसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर हमने मान लिया। लेकिन जब ये धारा बहने लग जाती है तो क्या होगा कि स्पीड ऑफ द बोट विद द करेंट, ठीक है, क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ द बोट विद करेंट, मतलब करेंट के साथ, करेंट मतलब धारा, ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x+2 किलोमीटर पर आवर, जैसे कि मैंने यहां बताया, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ द बोट अगेंस्ट द करेंट, अगेंस्ट करेंट क्या हो जाएगा, x-2 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये वेलोसिटी है, ठीक है, अब टाइम भी है हमारे पास, और क्या दिया हुआ है, और हमारे पास क्या है, डिस्टेंस भी है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लिखेंगे उसको कितना समय लगता है, हम समय निकालेंगे यहाँ से। डिस्टेंस हमारा टोटल डिस्टेंस यहाँ पे लिख देते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 21 किलोमीटर, ओके। अब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल वेलोसिटी क्या होता है, टाइम होता है। तो पहला पहला वेलोसिटी कितना है, x+2 है, मतलब जो नदी की धारा के साथ चलता है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, x+2 है। तो हमें जैसे कि पता है कि डिस्टेंस बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस कितना है, 21 बाय वेलोसिटी x+2, ठीक है, प्लस फिर 21 बाय वेलोसिटी x-2, क्योंकि वो एक बार जाता है और एक बार आता है, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को, एक बार वो जा रहा है एक बार आ रहा है, तो जाने का टाइम ये और आने का टाइम ये, ठीक है। तो दोनों किस 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 टाइम के इक्वल है, टोटल टाइम कितना लगता है 10, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल टाइम इक्वल टू टाइम टेकन 10 आवर्स, इसलिए ये 10 हुआ। अभी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये हो गया, बस इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से फॉर्म हो जाएगा। तो x+2 x-2 का हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लिया हमने, ठीक है। यहां से ये कट गया क्योंकि डिवाइड करते हैं, तो ये कट गया, ये बचा, तो 21 मल्टीप्लाई x-2 प्लस ये कट गया, तो क्या बचा, 21 मल्टीप्लाई x+2, यहाँ पे माइनस बचा, यहाँ पे प्लस बचा, ओके। अब करते हैं क्या, सिंपली मल्टीप्लाई, क्या करेंगे हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 21x माइनस 20, 1 2 जा 42
प्लस 21x प्लस 42 बाई ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस 42 प्लस 42 कैंसिल हो गया और 21 21 ऐड होके कितना हो गया, 42x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओके इक्वल्स 10। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 40 इक्वल्स 42x। ओके यहाँ पे 10x स्क्वायर माइनस 42x माइनस 40 इक्वल्स 0। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि 2 को कॉमन भी ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2 कॉमन लेने पे 5x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 21x माइनस 20 इक्वल्स 0। ठीक है, 5x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 20, यही आपका रिक्वायर्ड क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो गया। ठीक है, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, 6 का 6। ओके क्वेश्चन नंबर 6 है, हमारे घर के बगीचे की सफाई करने में महीम की अपेक्षा मजीद को 3 घंटा कम का समय लगता है अगर दोनों मिलकर उस काम को 2 घंटे में समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो मजीद, चलो इसको मैं इंग्लिश में भी बता देती हूँ। ठीक है, इंग्लिश में इसको कह सकते हैं कि द टाइम टेकन टू क्लीन आउट द गार्डन बाय मजीद इज 3 आवर्स मोर देन महीम। ठीक है, 3 आवर्स मोर देन महीम, मजीद को मान लो, मजीद जो है, मजीद को महीम महीम कितना है, मजीद इज 3 आवर्स मोर देन महीम, तो महीम को एक्स मान लेंगे, किसको, एक्स आवर्स लगता है, तो मजीद को कितना लगेगा, एक्स प्लस 3 आवर्स लगेगा। ठीक है ओके, और कौन सा काम है, काम कितना काम है ये नहीं दिया हुआ है, तो काम को हम क्या मान लेंगे, 1। ठीक है, लेट द वर्क इज 1। ठीक है, एंड बोथ अगर एक साथ काम को कंप्लीट करते हैं तो 2 आवर्स में कंप्लीट भी हो जाता है, तो चलो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम करेंगे, उसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, बहुत ही इजी है। तो क्या सबसे पहले लिखेंगे कि मान लेंगे कि लेट महीम क्या है, लेट महीम कैन फिनिश दी वर्क इक्वल्स एक्स आर्स। ठीक है, एक्स आर्स में कंप्लीट कर लेता है, महीम है, सॉरी महीम महीम ओके। देन मजीद का क्या होगा, मजीद कैन फिनिश दी वर्क इन कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3, क्योंकि उसे 3 आवर्स ज्यादा में करता है ना, एक्स प्लस 3 आवर्स। ठीक है, अब क्या है कि अब महीम जो है एक काम को करता है ना, एक काम को एक 1 मान लेते हैं कि लेट द वर्क इज, लेट द टोटल वर्क इज इक्वल टू 1, टोटल वर्क 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि ये एक वर्क को काम करने में उसे एक्स घंटे का टाइम लगता है। ठीक है, तो लिखेंगे क्योंकि एक्स आर्स कैन टेकन बाय महीम टू कंप्लीट कितना कितना वर्क है, 1 1 वर्क। ठीक है, 1। ठीक है, वर्क को ही हमने 1 मान लिया, तो 1 आवर में कितना काम कंप्लीट करेगा, 1 आवर में 1 बाई एक्स। ठीक है, उसी तरह क्या है कि मजीद भी सेम करेगा, इफ मजीद मजीद टेकन कितना आवर्स है, एक्स प्लस 3 आवर्स टू कंप्लीट दी वर्क, टू कंप्लीट दी वर्क 1, एक वर्क को कंप्लीट करने में उसे कितना टाइम लगता है, एक्स प्लस 3, देन 1 आवर में इसको कितना टाइम लगेगा, 1 आवर में 1 बाई एक्स प्लस 3। ठीक है, ये 1 आवर का काम हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है कि अब हमें ये देखना है कि वो दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो वो 2 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, तो ये दोनों काम को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 3, दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, ये तो ये हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया, इतना छोड़ देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम
ये जो टोटल वर्क है 1/x + 1/x + 3, ये 2 घंटे में करते हैं तो कौन सा काम कंप्लीट होता है? एक काम पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? तो 2 आवर्स का टाइम लगता है, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बस ये हमारा बन गया क्या, इसी को सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलो सॉल्व करते हैं। इसका ले लेंगे हम एलसीएम, ये इसका ले लेंगे एलसीएम, एक्स इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है? एक्स एक्स कटा, एक्स प्लस 3 बचा, प्लस एक्स प्लस 3 कटा, एक्स बचा, और ये जो मल्टीप्लाई 2 है इसे 1/2 कर देते हैं, ठीक है? अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे, एक्स प्लस एक्स को तो 2x + 3 बाय नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 2x + 6, सॉरी x² + 3x, मैंने उल्टा देख लिया, x² + 3x = 1/2, ओके? अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 3x = इससे इसको मैंने किया, फिर इससे इसको करूंगी 4x + 6, ओके? अब ये x² + 3x - 4x - 6, सबको एक तरफ ले लिया हमने, इसको माइनस करेंगे तो x² - x - 6 = 0, ठीक है? यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही हो गया। इसी तरह बनेगा, ठीक है? जैसे बचपन से करते आ रहे हैं वैसा ही है, बस इसमें एक्स का टर्म लेना है हमें, क्योंकि इसमें वन वेरिएबल का यूज भी करना था। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया, होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि 2 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई अंक दहाई अंक की अपेक्षा 6 अधिक है, इकाई अंक दहाई अंक की अपेक्षा 6 अधिक है, और दोनों अंकों का गुणनफल अगर गुणनफल संख्या से 12 कम है, तो इससे हम क्या करना है, कंस्ट्रक्ट दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कि 2 अंकों वाली कोई एक संख्या है, उसमें इकाई अंक मतलब यूनिट प्लेस जो है वो दहाई अंक की अपेक्षा 6 अधिक है, तो दहाई को हमें x मान लेना है, ठीक है? क्योंकि दहाई की अपेक्षा मतलब कि जो 10th प्लेस है उससे वो 6 अधिक है, ज्यादा है। कोई भी नंबर है वो 2 2 डिजिट मिलके बना हुआ है, ठीक है? तो मान लो ये नंबर है, चलो ये मान लेते हैं कि 56 एक नंबर है, वो 2 डिजिट मिलके बना हुआ है, तो जो ये है जो 10th प्लेस का डिजिट है उससे यूनिट प्लेस का डिजिट कितना है, 6 अधिक है, ठीक है? अगर इसे हम 10th प्लेस वाले को अब अगर हमने एक्स मान लिया तो यूनिट कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 6, ठीक है? यूनिट यूनिट प्लेस का डिजिट हो जाएगा एक्स प्लस 6, क्योंकि दहाई दिया हुआ, दहाई मतलब कि 10th प्लेस एक्स है, तो इसे हम मान लेते हैं कि यूनिट प्लेस एक्स प्लस 6 हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो अंकों वाली कोई भी संख्या है, मतलब कि 2 डिजिट एक नंबर है जिसमें इकाई अंक दहाई अंक के पीछे 6 अधिक है, मतलब कि यूनिट प्लेस 10th प्लेस से 6 अधिक है, तो क्या कहेंगे कि लेट इन द नंबर 10th प्लेस मानेंगे, क्योंकि 10th प्लेस से ही 6 अधिक क्या है, यूनिट प्लेस है, तो 10th प्लेस इज प्लेस डिजिट इज, ठीक है, डिजिट इज एक्स, ठीक है? 10th प्लेस का डिजिट हमने एक्स मान लिया, तो यूनिट प्लेस का डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस डिजिट इज एक्स प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है? अब नंबर कैसे फॉर्म होगा, नंबर कैसे निकलता है, नंबर को क्या होता है, नंबर कैसे बनाते हैं कि 1 × यूनिट, ठीक है, प्लस 10 × 10th, ऐसे बनता है नंबर। तो 10th कितना एक्स है, 10 × x प्लस, ठीक है, एंड 1 × यूनिट, तो 1 यूनिट प्लेस हमने माना है कितना, एक्स प्लस 6, तो नंबर हमें मिल गया क्या, 10x + x + 6, ये हमारा नंबर मिल गया, रिक्वायर्ड नंबर। अब जैसे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो दोनों अंकों का गुणनफल कितना है, जो होगा वो मेन संख्या है, ठीक है, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो जो संख्या है उससे 12 कम होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम x × x + 6, ठीक है? मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, वो क्या है, दोनों अंकों का गुणनफल उस संख्या से मतलब कि जो नंबर से उससे 12 लेस है, ओके? क्वेश्चन जैसे कि था कि डिजिट
यूनिट डिजिट ऑफ द टू डिजिट नंबर एग्जिस्ट 10th डिजिट बाय 6, ओके, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज लेस देन 12 बाय द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर हमारे के पास क्या है, 10x + x + 6 है, इससे 12 लेस होगा, ठीक है, यही क्वेश्चन में बोल रहा है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं बनाना, यहीं से हमें मिल जाएगा x² + 6x हो गया, और यहाँ 10x + x 11x + 6 - 12। x² + 6x - 11x, और इससे माइनस करते हैं तो 12 - 6 - 12 इधर आया तो प्लस 12 - 6 - 6 इधर आया तो +6, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा x² + 11 - 6 - 5x होगा +6 = 0। यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, बहुत इजी था, कुछ भी नहीं करना था, बस क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के समझना है और करना है। क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया हमने, अब बचा क्वेश्चन नंबर 8, ये शायद लास्ट है क्वेश्चन नंबर 8, चलो 8 करते हैं हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है इस एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन। 45 मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़े, मतलब कि 45 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर ब्रेथ है, एक आयताकार खेल का मैदान है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शेप्ड फील्ड है, प्लेइंग ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड। इसके बाहर चारों तरफ समान चौड़ाई का एक रास्ता है, उसका क्षेत्रफल 450 वर्ग किलोमीटर है। मतलब कि इस तरह मैं ड्राइंग के अकॉर्डिंग बताती हूँ, मतलब ये खेल का मैदान है इस तरह, ठीक है, इसका लेंथ कितना दिया हुआ है 45 मीटर, ओके, एंड ब्रेथ दिया है 40 मीटर, ओके। अब इसके चारों तरफ एक मतलब कि एक इस तरह चौड़ा रोड है, समान चौड़ाई का होगा, ठीक है, चौड़ा रास्ता है, समान चौड़ाई का है, मतलब कि यूनिफॉर्म है, मतलब चारों तरफ से इक्वल होगा, ये जितना होगा उतना ये उतना, ये मैंने बनाया बहुत अजीब सा है, इस तरह होगा एकदम बराबर, ठीक है, इस तरह है। अब बोल रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है, ये जो अंदर वाले का है, इसका जो है, इसका एरिया कितना दिया है, हुआ है 450 स्क्वायर मीटर, 450 स्क्वायर मीटर है। तो हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है एक, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना है। देखो बहुत इजी है, सबसे पहले तो देखो लेंथ है, ब्रेथ है, तो हम इस रेक्टेंगुलर शेप का, एक रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड का हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया फाइंड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो अब बड़ा वाला एरिया, ये जो छोटा वाला एरिया तो हमने निकाल लिया, ठीक है, अब ये है बड़ा वाला एरिया, कैसे निकालेंगे, बड़ा वाला एरिया दिया हुआ है, ठीक है, बड़ा वाला एरिया नहीं दिया हुआ है, तो उसे हमें मानना पड़ेगा, उसमें से इस छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, और ये किसके इक्वल होगा। तो चलो बनाते बनाते और समझ में आ जाएगा, चलो स्टार्ट करते हैं बनाना, ठीक है, लिखेंगे कि लेट ब्रेथ ऑफ द, पाथ का तो ब्रेथ हमें नहीं पता है ना, पाथ का ब्रेथ ये हमें नहीं पता, इसे हम मान लेंगे एक्स, ठीक है, लेट ब्रेथ ऑफ पाथ इक्वल्स एक्स, ठीक है, इसे हम मानेंगे एक्स मीटर, एंड अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, देखो 45 जो है, ये 45 है लेंथ है, इसके साथ ये जो लेंथ है इसके साथ ये एक्स ऐड होगा, लेकिन ये डबल ऐड होगा, ठीक है, ये भी है और इधर भी है, दो तरफ है, दोनों इक्वल होता है रेक्टेंगुलर में, तो हमें क्या हो जाएगा इसमें 45 + 2x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये x था, x + x क्या हो गया 2x हो गया, और 45 से ऐड हो जाएगा, तो ये लंबा वाला हमें मिल जाएगा कितना 45 + 2x, ठीक है। अब हमें ब्रेथ मालूम करना है, ये लेंथ मिल गया, ब्रेथ, ब्रेथ में कितना है 40 दिया हुआ है और +2x, ठीक है, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है। तो एरिया, अब एरिया इस वाले, ये बड़े वाले एरिया में से इस छोटे वाले एरिया को, ये छोटे वाला जो एरिया है इसको माइनस कर देंगे तो ये पाथ ऑफ द एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो अब छोटा वाला एरिया का फॉर्मूला क्या होगा भाई, 40 × 45। अब हमें पाथ, अब ये बड़े वाले में से हमने छोटा वाला माइनस कर दिया तो पाथ का आ जाएगा, और पाथ का भी दिया हुआ है कि एरिया कितना है 450 स्क्वायर मीटर आ गया, बस
ये सबसे इजी क्वेश्चन था, अब इसे सॉल्व कर देना है और आंसर लाना है। ठीक है, 45 प्लस 2x, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 45 को 40 से तो हो जाएगा कितना, 1800। ठीक है, 1800 प्लस 90x प्लस 80x, ठीक है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और 2x मल्टीप्लाई 2x हो जाएगा कितना, 4x2, 4x2। ठीक है, पहले इससे इसके इसको किया हमने, फिर 45 को 90x हो गया, फिर इससे इसको किया तो 80x, और इससे इसको किया तो 4x2। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 40 माइनस 45 तो वही हो जाएगा 1800, कि 1800 इज इक्वल टू 4500। अब यहाँ भी 1800, यहाँ भी 1800 कट जाएगा, और 90 प्लस 80 कितना हो जाता है, 90 प्लस 80 को ऐड करते हैं तो 170 हो जाएगा, 170x प्लस 4x2। ठीक है, प्लस 4x2, और ये 450 को इधर लाते हैं, -450 इक्वल्स 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो कुछ कॉमन जा रहा है तो कॉमन निकालेंगे, इसको थोड़ा सजा कर लिखेंगे, 4 कॉमन जाएगा, नहीं 4 नहीं जाएगा, 2 कॉमन जाएगा, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x2 प्लस 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 8 जा 16 2 5 85x हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2 2 2 2 2 5 2 2 5, ओके इक्वल्स टू 0। दैट इज क्या हो जाएगा, अब 2x2 प्लस 85x माइनस 2 2 5, सॉरी 5 इक्वल्स टू 0, ये 2 नीचे जाएगा, 0/2 इज इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया इस सॉल्यूशन का, इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया, आज की इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 की तरफ बढ़ेंगे, मूव करेंगे। तब तक के लिए जो भी आपको कंफ्यूजन है आप मुझे जरूर लिखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि वीडियो अच्छा लगा, इससे मुझे बहुत ही खुशी होती है और मोटिवेशन भी मिलता है। और अगर अब तक आप अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग, बाय बाय।